मुस्कानी, फूल की मुस्कान। मैं मुस्कान कम ही करता हूँ हाँ, क्योंकि मेरे पास मुस्कान नहीं है अभी, जब शादी हो जाएगी उसके बाद आएगी मुस्कान। नमस्कार, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब लोग ठीक होंगे दोस्तों, मैं भी एकदम मस्त। मैं पवन जोशी गंगुलझार दुगैयागर से। तो दोस्तों, आज मैं ब्लॉग की शुरुआत अभी सुबह के टाइम से कर रहा हूँ, और आज फिर से हम राशन लेने के लिए जा रहे हैं। आज मिलता है नहीं मिलता है, आखिर आज तो राशन लेके आना है कुछ भी हो जाए। तो अभी मैं जा रहा हूँ, अभी मैं पहुँचाऊँ फील्ड के वहाँ पे खतरा खाओ में, और योगी भी वेट कर रहा है। उसका दो तीन बार फोन आ गया था, मैंने बोला आप बंदर आ गए। एक तो आज सुबह सुबह बंदर आ गए थे, बंदर उन्होंने दिमाग ख़राब कर दिया आज। तो अब वहीं पे जाके मिलते हैं आपको सीधे। तो दोस्तों, आज हम आखिरकार राशन लेके आई गए हैं तीसरे दिन, और साथ दीप चाचा भी हैं, और उसको तो जलन हो रही है यार, राशन मिली क्या करके, उसको आना मुश्किल हो रहा है घर को। एक तो चैन चाहता ना मैं घमेल। अच्छा, हमको सिखा रिया है पैर है रूम मेलवे। 7 किलो गेहूं है और 12 किलो चावल है। अम्बू भी याद आएगी। तो दोस्तों, अभी मैं पहुंच गया हूं पनिहार में, और दीप चाचा तो आगे को चले गए, उनका पोस्ट ऑफिस में काम है तो वो चले गए हैं। फिर नेट भी कम चलता है, इस कारण अभी उन्होंने बोला मैं जा रहा हूं, तू थोड़ी देर बैठ जा। मैंने कहा ठीक है। तो कौन मैं इल्ला देखने में याद उन में आ रही हो घास लग गया नहीं ले। परसों मैंने दाढ़ी बनाई अच्छी से, शर्ट कर रहा था ब्लेड से, हाथ फिसला, ये यहाँ पे शर्ट करने वाला यहाँ पहुँच गया, पूरी साफ कर दिया। तो यहाँ पे बैठने में इतना मज़ा आता है ना यार दोस्तों, क्या ही बताऊँ मैं आपको। और यहाँ पे पानी पीने का मन होता था, पानी सूख गया, गर्म कुछ ज़्यादा होने लग गया है, तो अब पानी भी सूख गया है। यहाँ पे ठंडा पानी होता था ना, फ्रिज का पानी चाहिए था हमको, फ्रीजर से भी अच्छा पानी मिलता था यहाँ पे, शुद्ध पानी। तो अब वो पानी भी सूख गया यहाँ पे, तो अब घर जाके ही पानी पीना पड़ेगा। अब सीधे आपको घर जाके मिलते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं घर में पहुंच गया हूं, और पानी आनी भी पी लिया। मैंने पानी की बात की थी, तो आते आते पहले मैंने 2 गिलास पानी छड़ गए। और कल शाम एक न्यूज आई है, आप लोगों ने भी सुनी लिया होगा कि 2000 का नोट बंद हो गया है। अगर किसी के पास 2000 के नोट ज़्यादा है तो मेरा खाता खाली है, मिलने संपर्क करना, मेरे नंबर में कॉल करना, नंबर नीचे पर लिखा हुआ आ जाएगा आपके लिए। तो गूगल पे कर देना, मैं अपने खाते में पैसे रख लूंगा। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो दोस्तों, मैंने तो 2000 का नोट देखा भी नहीं था कैसा होता है करके, मैंने उन्हें हाथ में पकड़ा अपने, ना मेरे वो हाथ में आया आज तक। अब आप लोग ही जानो, जिसके पास, जिसने बक्से भर रखे हैं 2000 के नोट से, भेज देना मेरे नंबर में, गूगल पे कर देना, मेरे पास मेरे पैसे हो जाएंगे, फिर आपको नहीं मिलेंगे। आओ तो दोस्तों, मैंने सुबह आपको बताया था कि कंडारिशना जाने से पहले मैंने बंदर भगाए थे। मेरे कंडारिशना जाने तक जितनी सब्जी थी सब तोड़ रखी है मम्मी भी। अब कितना भगाती, मम्मी भी फिर गायों के लिए घास भी लानी हुई, तो मम्मी गाय के लिए घास लेने के लिए चले गई थी, पता नहीं कहाँ से आए उस बीच में। 4 पेड़ गिन के फ्राज बीन के थे, अब 2 पेड़ बच गए हैं, सब पेड़ तोड़ के चले गए हैं। कितना नुकसान कर दिया इन बंदरों ने, मैं बहुत परेशान हो गया। और दोस्तों, पता नहीं इतने बंदर आए कहाँ से। कल शाम मैंने यहाँ पे मिर्च भी लगा दी थी, और सुबह सूख भी गई है अभी, अब पानी डालना पड़ेगा। शाम को सुबह भी डाला था, ये देख सकते हो आप, ये एक पेड़ ये तोड़ दिया, एक पेड़ ये ऐसे उखाड़ के गए हैं बंदर पेड़ों को। ये अब ये पेड़ लगेंगे थोड़ी, बहुत नुकसान कर दिया इन बंदरों ने हाँ। और इस पेड़ के टुक्के टुक्के खा रखे हैं ये टहनियाँ, जिसमें फूल आ रहे थे। तो दोस्तों, अगर कोई बंदर पालना चाहेगा ना, दुगैयागर आके संपर्क कर लेना, यहाँ बहुत बंदर हैं, और पकड़ भी लेंगे हम, पकड़ के आपको दिला देंगे उन बंदरों को, क्योंकि इन बंदरों ने हमें बहुत परेशान कर दिया है। और एक खुशखबरी की बात मैं आपको और सुनाना चाहता हूँ, एक गुलाब के पेड़ को मैंने 15 से 20 बार लगाया, और 8-9 बार ददाने लगाया, करीबन मान के चलो 30 बार एक गुलाब की टहनी लगाई। बहुत मुश्किल से लगती है गुलाब की टहनी, तो आज वो गुलाब की टहनी मेरी लग गई है, तो उस गुलाब के पेड़ के आपको दर्शन कराए जाएंगे अभी। तो दोस्तों, ये है वो गुलाब, अब सूख भी गया है, फूल कल परसों आ गया था, मैं बनाना भूल गया था, मेरी नज़रों में आज ही आया ये गुलाब का पेड़ यहाँ पे, क्योंकि मैंने लगाया था, मैं खुद ही भूल गया था, क्योंकि ये पेड़ मैंने यहाँ पे ढका था, कहीं बंदर आएंगे तो हिला नहीं देंगे करके। तो वो गुलाब आज लग गया है यहाँ, बहुत टाइम लगता है इस गुलाब को लगाने में, अगर एक बार भी ये गुलाब का पेड़ हिल गया है नहीं लगता है फिर। तो दोस्तों, जो अभी मैंने आपको फूल दिखाया था, उस फूल के लिए मैं एक छोटा सा गाना गाता हूँ, जो एल में बिरा होने ना इलाई फटंग हाल मेरे मक खा दी। तो उस फूल के लिए मैं एक छोटा सा गाना गाना चाहता हूँ, आ जाएगी हाँ, ये बैरी आ रहा है शायद आज।
फूलों सा चेहरा तेरा, मेरा चेहरा नहीं फूल का चेहरा, कौन सा चेहरा उसमें अच्छी से देखो आप भी, यही है वो फूल, पहचानो इसका चेहरा आप भी। कलियों सी मुस्कान है, मेरी मुस्कान नहीं फूल की मुस्कान, मैं मुस्कान कम ही करता हूँ क्योंकि मेरे पास मुस्कान नहीं है अभी, जब शादी हो जाएगी उसके बाद आएगी मुस्कान। तेरा क्या बोला तूने? मेरे पास मुस्कान नहीं है अभी, जब शादी हो जाएगी उसके बाद आएगी मुस्कान। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, मेरा रंग नहीं ना मेरा रूप, मेरा रंग रूप मेरे जिन बचपन और ब्याह हो दिन देख ला। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। आहा मुँह गायक हूँ यार, ये दुगा अगर फाड़ दी नहीं मुँह तक। तो दोस्तों अभी मैं हूँ साड़ी में, सतीश चाचा के जो ये सफ़ेद पैजामे वाले हैं, इनके लड़के का बचपन है, जनेऊ है, तो ये आए हैं हिसार से, परसों घर में पहुँच गए थे, आज टेंट लगा रहे हैं, बारिश के ऊपर है, बारिश होगी करके ऊपर से इसमें हम पन्नी भी डाल दें, नीचे से चांदनी और हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, धन्यवाद नमस्कार, और यहाँ तो बरखा आएगा, तब तक के लिए बाय बाय।